नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके इस ऑनलाइन मंच पर जिसका नाम है डीजे सर क्लासेज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अपन ने जो पिछली वाला टॉपिक ख़त्म किया है वो मिसिंग नंबर ख़त्म किया है दोस्तों। और आज करेंगे एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आपने पिछली वीडियो को अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसी YouTube चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और ए पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं एक बार फिर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर अभी तक उन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी पिछली वीडियो को जाके विजिट करें। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं साथियों, तो आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है दोस्तों। दोस्तों, टेस्ट वन से आपको आपकी तैयारी में बहुत हेल्प मिलने वाली है साथियों, तो आप प्लीज़ टेस्ट वन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये तो हो गया अपना कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं आगे की। आगे सर क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय रीजनिंग के अंदर, लॉजिकल वेन डायग्राम। दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। आपने देखे होंगे इसके क्वेश्चन कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज क्या होती है इसके अंदर क्वेश्चन पूछने की, वो देखते हैं कि किस किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, एक आज का जो मोटिवेशनल कोट है अपना, वो क्या है कि शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप उस हथियार को अपनी दुनिया और किस्मत बदलने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हार नहीं मानना है, शिक्षा को यूज करते हुए आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और अपनी दुनिया को भी आप बदल सकते हैं। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास की शुरुआत करते हैं, आइएगा सभी टॉपिक को डालिएगा। आज का टॉपिक जो रहने वाला है उसका नाम है दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है तार्किक वेन आरेख। क्या बोला जाता है? तार्किक वेन आरेख। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? तार्किक वेन आरेख। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा? इसके अंदर आपको तीन वर्ड्स मिलेंगे दोस्तों। क्या मिलेंगे? तीन वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और उन तीन वर्ड्स के अंदर आपको जो पॉसिबल रिलेशन है वो आपको शो करना है। अब इससे आइएगा देखते हैं कि कौन कौन से डायग्राम यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज ऑफ डायग्राम, जो रिलेशन बनने की जो संभावना है वो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि कौन कौन से अपने पास रिलेशन बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए रिलेशन कौन सा बन सकता है अपना। सबसे पहले रिलेशन अपना बन सकता है कि तीनों वर्ड्स में, जो तीनों वर्ड्स आपके दिए गए हैं, कोई रिलेशन ना हो उनमें। अगर दिए गए तीनों शब्दों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो आपको उनको डिनोट करना है इन वाले डायग्राम से। दूसरा, अगर तीनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन रिलेशन है, तीनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन रिलेशन है, तो आप उसके लिए कौन सा डायग्राम यूज कर सकते हैं? ये वाला डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। थर्ड है कि दिए गए तीनों शब्द इस प्रकार भी संबंधित हो सकते हैं कि एक पूरा आपका वर्ड है और उस वर्ड के अंदर दोनों गिवन वर्ड्स क्या हो, अलग अलग रिलेशन हो, दोनों के बीच में कोई संबंध ना हो, इस प्रकार भी आप उनको डिनोट कर सकते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज है लॉजिकल वेन डायग्राम बनने की। आगे देखते हैं फोर्थ कौन सी कंडीशन है। देखिएगा फोर्थ कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है दोस्तों। अगर दिए जाने वाले तीनों शब्द कुछ इस प्रकार से संबंध बता रहे हों कि उनमें, उनके बीच में जो डायग्राम बनने की संभावना है कुछ इस प्रकार से हो, तो उसके लिए इस प्रकार से अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। आगे देखिएगा ऐसा भी डायग्राम बनाया जा सकता है उसके बीच में। आगे चलते हैं, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है दोस्तों, सिक्स्थ डायग्राम।
आगे चलते हैं, और कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। आगे जो आपका डायग्राम बनाया जा सकता है वो देखिएगा, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है दोस्तों। तो ये है अपना 7 नंबर का डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी अपना पॉसिबल है। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा डायग्राम अपना बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा, जब तीनों ही वर्ड्स एक से रिलेटेड हो तो ये वाला भी डायग्राम पॉसिबल है। तो मैंने मैक्सिमम जितने डायग्राम पॉसिबल हैं अपने इस लॉजिकल वेन डायग्राम में बनने के चांसेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, कि किस किस प्रकार से डायग्राम बनाए जा सकते हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा अपना। चलो आइए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है एग्जाम के अंदर। चलो आइए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको वर्ड्स दिए गए हैं फल, सेब और सब्जी। क्या वर्ड्स दिए गए हैं दोस्तों? फल, सेब और सब्जी। इन तीनों वर्ड्स के बीच में आपको जो लॉजिकल वेन डायग्राम आपको बनाना होगा वो किस प्रकार से फॉर्म होगा। इन तीनों वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो आप देखिएगा, जो सेब है, जो सेब है वो सारे सेब किसके अंदर काउंट होंगे? फल के अंदर काउंट होंगे। सेब अंदर आएगा और फल बाहर आएगा तो सारे सेब क्या होंगे? फल होंगे। लेकिन सब्जी क्या कभी फल हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों। तो सब्जी का जो वेन डायग्राम होगा वो कहाँ होगा? बिल्कुल बाहर होगा। यानी सब्जी वर्ड्स सेब और फल से कोई रिलेशन नहीं शो करेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और पेय पदार्थ। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और पेय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन तीनों वर्ड्स के बीच में आपको रिलेशन शो करना है दोस्तों। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो बनाएंगे चाय को बनाएंगे, ये हो गया अपना चाय वाला, ये हो गया कोल्ड ड्रिंक्स, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों किसके अंदर काउंट होंगे? पेय पदार्थ के अंदर काउंट होंगे दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और पेय पदार्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वाले का आंसर क्या होगा? ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महीने, दिन और घंटा, इन तीनों के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, लॉजिकल वेन डायग्राम बनाना है कि किस प्रकार से इसका लॉजिकल वेन डायग्राम होगा दोस्तों। तो आइएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। महीने हैं, दिन है और घंटा है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी? घंटे की। तो सबसे पहले कौन बनेगा? घंटे की वैल्यू लिखी जाएगी,
फिर क्या लिखा जाएगा, दिन की वैल्यू लिखी जाएगी दोस्तों। फिर क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा आपका महीने। तो इन तीनों के बीच में, इन तीनों के वर्ड्स में जो सबसे सही सटीक रिलेशन होगा वो ये वाला डायग्राम शो करेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल कंपटीशन एग्जाम के अंदर लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन हो जाए, चाहे साइंस के वर्ड्स देके आपसे पूछ ले, चाहे इंग्लिश के वर्ड्स हों, चाहे डेली रूटीन बेसिस पे जो आपके वर्ड्स यूज आ रहे हैं, उन वर्ड्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो उन पर प्रैक्टिस अपने को अच्छे से करनी है, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आइएगा। आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इसके बीच में। डॉक्टर, शिक्षक और अपना है दार्शनिक, फिलोसोफर, टीचर एंड अ डॉक्टर, इन तीनों के बीच में आपको क्या करना है दोस्तों, रिलेशन शो करना है। तो आइएगा देखिएगा, डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षक डॉक्टर भी हो सकते हैं, और वो शिक्षक फिलोसोफर भी तो हो सकते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा अपना, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। धातु चांदी और सोना, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इजी है बिल्कुल। सोना और ये है चांदी और ये है अपना धातु, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। मानव, सांप और स्तनधारी, क्या वर्ड्स दे दिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, मानव, सांप और स्तनधारी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले ये है मानव और ये है स्तनधारी और ये है अपना सांप। क्योंकि सांप क्या होता है आपका, सांप जो होता है वो मैमल्स नहीं होता, यानी स्तनधारी नहीं होता, वो क्या होता है, रेप्टाइल होता है दोस्तों, सरीसृप होता है। इन सभी को, सांप को, मेंढक को, कछुए को, छिपकली को, इन सभी को किस में काउंट किया जाता है दोस्तों, मगरमच्छ को किस में काउंट किया जाता है, रेप्टाइल में काउंट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं, ये रेंग कर चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टाइल्स में काउंट किया जाता है। और गिवन तीनों वर्ड्स के अंदर इन तीनों का जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा आंसर का, जो आंसर लॉजिकल वेन डायग्राम बनेगा तीनों के बीच में, ये वाला बनेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान, कोटा और
मध्य प्रदेश, दोस्तों देखिएगा राजस्थान, कोटा और मध्य प्रदेश, इन तीनों गिवन वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, लॉजिकल वेन डायग्राम क्रिएट करना है। तीनों वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, लॉजिकल वेन डायग्राम इनके अंदर क्रिएट करना है। तो लॉजिकल वेन डायग्राम अगर इनके अंदर आप क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले ये है कोटा का वेन डायग्राम, ये है राजस्थान का वेन डायग्राम और ये मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल क्या हो गया, अलग ही हो गया। तो कोटा, ये है राजस्थान और ये है अपना MP, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियां, टमाटर, सॉरी सब्जियां, आलू और खाद्य पदार्थ, ये तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स के बीच में आपको रिलेशन शो करना है। क्या आंसर होगा इसका, कोशिश करिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वो, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि तीनों के बीच में रिलेशन सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा होगा। यह है आलू, यह है अपनी सब्जियां और यह है अपने खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीजें, तो ये हो जाएगा आलू भी खाने वाली चीज है, ये है अपना सब्जियां, आलू किसके अंदर आती है, सब्जियों के अंदर आती है और खाद्य पदार्थ भी, सारी सब्जियां क्या होती है, खाद्य पदार्थ नहीं होती क्या, आलू क्या होते हैं, सब्जियां होती हैं, खाद्य पदार्थ, तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, समाज, संगीतकार और गायक, समाज, संगीतकार और गायक, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन शो करना है दोस्तों, इन तीनों का वेन डायग्राम आपको क्रिएट करना है। चलो आइएगा कैसे इसका आंसर निकालेंगे। समाज है, समाज में सारे चीज या सारे वुमेन रहते हैं, तो ये हो गया अपना समाज। इस समाज के अंदर कुछ संगीतकार होंगे और कुछ गायक भी होंगे, लेकिन कुछ गायक क्या हो सकते हैं, संगीतकार भी तो हो सकते हैं, यस। तो ये है अपना समाज, ये है अपने गायक और ये है अपने संगीतकार। संगीतकार यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर, यानी कि जो म्यूजिक बनाता है वो गायक भी हो सकता है दोस्तों। तो इन तीनों के बीच में सबसे अच्छा रिलेशन क्या होगा, ये वाला होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, महिला, माता और डॉक्टर, तीन वर्ड्स हैं दोस्तों, महिला, माता और डॉक्टर, इन तीनों के बीच में अच्छा रिलेशन शो करना है अपने को। तो देखिएगा जितनी भी माताएं होती है वो सारी महिलाएं होती है, पहली बात तो ये, जितनी भी माताएं होती है वो सारी क्या होती है, महिलाएं हो सकती हैं, माता और ये महिला। अब बात करते हैं डॉक्टर की, क्या सारी माताएं डॉक्टर हो सकती है क्या, नहीं, मेल भी तो डॉक्टर होते हैं। क्या सारे डॉक्टर महिलाएं हो सकती है क्या, या सारी महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, नहीं, मेल भी डॉक्टर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, लास्ट वाला आपको पता है डायग्राम बनाया था, तो ये क्या है अपने डॉक्टर, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं ना, कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो मेल भी होंगे और माता ही नहीं होगी, तो इन तीनों के बीच में सबसे अच्छा रिलेशन ये बनेगा।
आगे देखेगा और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग, इन तीनों के बीच में रिलेशन दिखाना है आपको। तो जो वर्ग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, और त्रिभुज क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। यह है वर्ग, यह है चतुर्भुज और यह है अपना त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है, वो बिल्कुल अलग होगी। इन दोनों का इससे कोई रिलेशन अपना नहीं होगा दोस्तों। तो ये था लॉजिकल वेन डायग्राम। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। दोस्तों ये जो पढ़ रहे थे अपन, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि आपको पहले से ही वह डायग्राम गिवन होगा और उन डायग्राम की हेल्प से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो टाइप नंबर टू है अपना वेन डायग्राम, या इसको अलग टॉपिक करके भी पढ़ाते हैं कई टीचर्स। कई टीचर्स क्या करते हैं, इसी टॉपिक को दो पार्ट्स में कवर करवाते हैं, लेकिन लॉजिकल वेन डायग्राम बोल लो या वेन डायग्राम बोल लो, बात एक ही है। लॉजिकल वेन डायग्राम्स के अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। गिवन थ्री वर्ड्स के अंदर आपको रिलेशन शो करना है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल वेन डायग्राम। उसके बाद अगर आपको ऑलरेडी वेन डायग्राम बना के दें और आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएं या पूछे जाएं कि बताइए इनका आंसर क्या होगा, वो कहलाते अपने वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं अब, सेकंड पार्ट है इसका वेन डायग्राम। आइए वेन डायग्राम से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये अपना सर्कल है, ये ट्रायंगल है, और ये अपना रेक्टेंगल है दोस्तों, और इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको देखो व्रत जो है महिला को बताता है, त्रिभुज जो है डॉक्टर्स को बताता है, ये किसको बताता है, महिलाओं को, जो सर्कल है वो महिलाओं को, ये है डॉक्टर्स को, ट्राइंगल्स डॉक्टर्स को, रेक्टेंगल जो डिनोट करता है वो विवाहित को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है दोस्तों, विवाहित यानी कि मैरिड को डिनोट करता है। यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी संख्याएं लिखी गई है वो मैरिड विवाहित की है, ट्राइंगल के अंदर जो संख्याएं लिखी गई है दोस्तों वो डॉक्टर्स वालों की है, और सर्कल के अंदर जो संख्याएं लिखी गई है दोस्तों वो महिलाओं की है। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइएगा, इसका पहला प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इसका पहला प्रश्न का आंसर दीजिएगा, बताइए ऐसी कितनी डॉक्टर महिलाएं हैं, बताना है आपको ऐसी कितनी डॉक्टर महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं हैं। ऐसी कितनी डॉक्टर महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं हैं, क्वेश्चन सुन लेगी, ऐसी कितनी डॉक्टर महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसी कितनी डॉक्टर महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं हैं। तो विवाहित को तो हटा ही देना है आपको, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर आने वाले सारे नंबर आप क्या करेंगे, स्कीप करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। क्या क्या स्कीप करेंगे, 3, 2, 6, 7, ये तो आप नहीं लेंगे, इनको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, विवाहित नहीं लेना। क्या लेंगे, 1, 4, 5, इन तीन में से कोई एक आंसर होगा,
लेकिन डॉक्टर होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए। डॉक्टर है, एक नंबर डॉक्टर है, लेकिन महिला नहीं है। पांच नंबर महिला है लेकिन डॉक्टर नहीं है। बचा एक नंबर, कौन सा? फोर। तो यानी कि वो नंबर कौन सा होगा जो महिलाएं भी हो और डॉक्टर भी हो। तो ऐसा नंबर होगा दोस्तों, फोर ऐसा नंबर है जो डॉक्टर भी है और महिलाएं भी है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चार, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह है इसका पहला क्वेश्चन। इस एक वेन डायग्राम से लगभग 10-11 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कितने तरीके के? 10-11 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइएगा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसका? डॉक्टर्स की संख्या ज्ञात करो, दूसरा क्वेश्चन। डॉक्टर की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 3। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर, और आपसे पूछा गया है बताइए डॉक्टर्स की संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पता करना है, आपको और कंडीशन लगानी नहीं है, ना तो विवाहित देखना है ना महिलाएं देखनी है, आपको सिर्फ डॉक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो डॉक्टर क्या है? एक ऐसी संख्या है जो डॉक्टर है। आप करोगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। पहला ही ऑप्शन ऐसा होगा दोस्तों, आपको फंसाने के लिए एक आंसर दिया हुआ होगा, वो अपना सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ही नहीं रही हैं। अधिकतर एग्जाम्स के अंदर ये नोटिस किया गया है, स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्या करते हैं, मिल गया लड्डू है ना, हलवा मिल गया, लड्डू मिल गया उनको, फटाफट से टूट पड़ते हैं उसके ऊपर और फटाफट से अपना आंसर करते हैं। तो एक बार के लिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि अपने से पूछा क्या गया है, डॉक्टर्स की संख्याएं पूछी गई है, तो क्या दो डॉक्टर नहीं है क्या? भले से वो विवाहित है लेकिन डॉक्टर तो है। आपको ऐसी कंडीशन थोड़ी ना दी है कि विवाहित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा और चार भी चलेगा। यानी ट्रायंगल्स के अंदर आने वाले जितने भी नंबर से साथी हो वो सारे के सारे डॉक्टर्स के अंदर काउंट होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो 10 होगा। 10 कैसे होगा? 4+3+2+1, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डॉक्टर की संख्या अगर आपको निकालनी है तो 10 होगी, लेकिन आपको सिर्फ ये बोलता केवल डॉक्टर्स की संख्याएं निकालिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, डॉक्टर की संख्याएं ज्ञात करो 10, केवल डॉक्टर की संख्याएं अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। फिर उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? 1। तो डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या गया है, केवल पूछा गया है या डॉक्टर्स की संख्याएं आपसे पूछी गई है। तो साथियों प्लीज एग्जाम के अंदर मेरी यही एडवाइस है आप सभी से कि प्लीज क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड या 40 सेकंड आपको लगेंगे, लेकिन वो वाला क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन आ रहा है वो भी सेम नंबर दिला के जाएगा, और जो टफ क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको सेम नंबर ही दिला के जाएगा। तो कोशिश करिएगा जो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसको एक बार की जगह दो बार ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर सही करके आगे बढ़ें। तो अभी के लिए इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? 10 इसका सही आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है अपना, केवल डॉक्टर की संख्याएं ज्ञात करो। तो केवल डॉक्टर की संख्याएं ज्ञात करो और ऑप्शन है अपने सामने 5, सी है 4 और डी है 1। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज होते हैं, किस प्रकार से उनका आंसर अपने को चेंज करना है। क्लियर? तो इस वाले वेन डायग्राम से और भी पॉसिबिलिटीज़ है, 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ तो मैंने बता दी, और भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। बताइए ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो विवाहित है
अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो विवाहित है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी महिलाएं जो विवाहित हैं। साथियों ऐसी महिलाएं जो विवाहित है तो आपको बताना है ऐसी कितनी महिलाएं हैं। महिलाओं को ढूंढो, महिलाएं किस में आ रही है, सर्कल में आ रही है, उनको टारगेट करो। और विवाहित होनी चाहिए तो ट्रायंगल को हटा दो, विवाहित होनी चाहिए तो ट्रायंगल को हटा दो। तो 1, 2, 3, 4 तो हट ही गया, क्या बचा 5, 6, 7। लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए दोस्तों, विवाहित भी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर आपको नजर आ रहा है, 6, 5 महिलाएं हैं लेकिन विवाहित नहीं है, 7 विवाहित है लेकिन महिला नहीं है, 6 ऐसा नंबर है जो महिलाएं होने के साथ साथ विवाहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, बताइए ऐसे कितने डॉक्टर और महिलाएं हैं जो विवाहित हैं। ऐसी कितनी डॉक्टर महिलाएं हैं जो विवाहित है, 5वां क्वेश्चन। ऐसी डॉक्टर महिलाएं जो विवाहित हैं, चलो बताइए। तीनों चीजें लेनी है, डॉक्टर भी लेना है, महिलाएं भी लेनी है और विवाहित भी लेना है। देखिएगा तीनों का कॉमन पार्ट, डॉक्टर भी होना चाहिए बिल्कुल, विवाहित भी होना चाहिए और महिलाएं भी होना चाहिए। 6 तो है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, इधर से चलते हैं अपने 4, विवाहित नहीं है, डॉक्टर और महिला ही तो है, लेकिन 3 ऐसा नंबर है जो तीनों का कॉमन पार्ट है। 3 विवाहित भी है, डॉक्टर भी है और महिलाएं भी हैं। तो इस वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस वाले का जो आंसर होगा वो होगा अपना 3। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा उस प्रकार से आंसर भी चेंज अपना हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन तो मैंने इससे फॉर्म कर दिए और लगभग 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन और फॉर्म हो सकते हैं इससे। तो आपको वेन डायग्राम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन होता है साथियों, बस कोशिश यही करना कि वो गलत ना हो आपसे, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो जो टफ क्वेश्चन होगा वो तो हो नहीं रहा आपसे, तो नंबर कहाँ से आएंगे। इसलिए इजी क्वेश्चन पर कोशिश करो, वो सही बने अपना। आगे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, दोस्तों ये नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, ये है अपने शिक्षित, सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, शिक्षित को, ट्रायंगल्स डिनोट कर रहा है बेरोजगार को, और जो अपना इस ट्रायंगल्स है वो डिनोट कर रहा है शहरी को। शहरी को डिनोट कर रहा है साथियों। आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनाए, वही 10-11 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इनके आंसर क्या क्या होंगे साथियों, तो वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए ऐसे कितनी शहरी हैं जो बेरोजगार हैं। बताइए ऐसे शहरी जो बेरोजगार हो, पहला क्वेश्चन, ऐसे शहरी जो बेरोजगार हो, शहरी को टारगेट करो और बेरोजगार को टारगेट करो। बेरोजगार में कितने हैं, ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स के अंदर 12, 4, 10 और 15 नंबर्स हैं और शहरी के अंदर ये नंबर्स हैं, ये नहीं होगा इसको हटा दो, बेरोजगार होना चाहिए। तो 10 ऐसा नंबर है जो शहरी के साथ साथ बेरोजगार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, बताइए ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो शिक्षित नहीं हैं। ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो शिक्षित नहीं हैं, ऐसे
बेरोजगार जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं यानी शिक्षित को हटाओ, शिक्षित नहीं है यानी शिक्षित वाला पार्ट आपको हटाना है, स्किप करना है, सर्कल हट जाएगा। क्या क्या बचा? 15, 10 और 17। बेरोजगार भी लेना था और शिक्षित नहीं है, तो बेरोजगार में क्या क्या आ रहा है अपना? ये भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। शहरी ले सकते हैं, बोला थोड़ी है आपसे शहरी के लिए, लेकिन आपको बेरोजगार लेना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? 15 + 10 यानी कि 25 अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनाया जा सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, बताइए ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो शहरी हैं? ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, तीनों का कॉमन पार्ट, शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, 4। क्या है? 4 इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको लॉजिकल वेन डायग्राम एंड वेन डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा साथियों। इसके अंदर और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और भी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं और आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी समस्या है, तो आप प्लीज़ उनको सॉल्व कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके अपने जो भी डाउट्स हैं आप रेज कर सकते हैं, उनका जवाब मैं बिल्कुल आपको दूंगा। उसके बाद बात करते हैं, ये चैप्टर यहाँ पर अपना फिनिश होता है। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे दोस्तों नए वाले चैप्टर के साथ, नए वाले टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा डीजे सर क्लासेज कोटा के नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मेरी क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।